प्रदेश के सागर से खबर की शुरुआत करते हैं, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 12 से ज्यादा दबंगों ने दलित के घर पर हमला बोल दिया। पुराने विवाद के मामले में समझौते को लेकर हमला किया। हमले में एक युवक की मौत हो गई है। मृतक की मां समेत अन्य परिजन घायल हैं। मृतक की मां ने निर्वस्त्र कर पीटने के आरोप लगाए हैं। सभी आरोपी इसके बाद से फरार हैं। बरौदिया गांव है जहां अब पुलिस बल तैनात है। घायल महिला का बीएमसी में इलाज जारी है। खुरई थाना क्षेत्र की घटना है, तस्वीरें आपके सामने। तो मृतक की मां समेत कई लोग घायल हो गए हैं। सागर से बड़ी खबर, 12 से ज्यादा दबंगों ने दलित के घर पर हमला बोल दिया। पुराने विवाद का समझौता करने को लेकर यह अटैक किया। हमारे सहयोगी उमेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। उमेश बताएं मामला क्या है और अभी पुलिस क्या कर रही है। जी हाँ, ये खुरई थाना क्षेत्र की बरौदिया गांव का ये मामला है जहाँ पर एक दलित परिवार है और उसको दलित परिवार की महिला घायल है। उसने ये बताया है कि वहाँ पे गांव के ही दबंगों ने उसके घर पर हमला कर दिया था और जिसमें उसके बेटे की मौत हो गई है और वो घायल हो गई। उस महिला का आरोप है कि उसको भी निर्वस्त करके पीटा। दरअसल ये कोई पुराने विवाद का मामला है जिसमें समझौते को लेकर ये दबंग गांव के जो है वो दबाव बना रहे थे, उसको लेकर तो जब मुझे समझौता करने के लिए नहीं माने तो इनके घर पर उन्होंने हमला कर दिया। हमले में और भी उनके परिजनों को चोट आई है। महिला भी इलाजरत है बीएमसी में और एक युवक की इसमें मौत हो गई है। उसके भाई ने पूरी घटना की जानकारी दी है और उससे बताया कि दबंग आए थे पूरे गांव के और उनसे पुराना विवाद है और उस मारपीट में उसके उसका घर भी तोड़ दिया है और उसके भाई की मौत हो गई है और मां को उसकी निर्वस्त करके मारा है। इस मामले में जो है पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया है और मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है लेकिन मामला संवेदनशील होता जा रहा है। इसमें और भी संगठन के लोग सामने आ रहे हैं, उनकी उनके पक्ष में खड़े हो रहे हैं, इसलिए प्रशासन सतर्क है। अभी पुलिस जो है वो संज्ञान लेते हुए आरोपियों की तलाश में जुट गई है। चलिए, आरोपियों की निशानदेही होने के बावजूद अब तक उन पर कोई एक्शन ना होना ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब चूंकि मामला मीडिया में है, मामला लोगों के सामने है, मामला एक परिवार पर बुरी तरह से गंभीर अटैक का है, देखते हैं इस पूरे मसले पर पुलिस कब तक एक्शन में, कब तक हरकत में आती है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।